40? या मैडम हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, वैल्यू बेस्ड ई मेंटरिंग सीरीज संस्कार सेतु के लेक्चर 6 प्रोफेशनल वर्क एथिक्स में आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। ये प्रोग्राम गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज, अ सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड ए ग्रेडेड बाय नैक इन टू साइकिल्स के IQAC एंड डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री एंड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री तथा केमिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ मैनेट भोपाल दैट इज मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल के संयुक्त तत्वावधान में किया जाता है। मैं डॉक्टर रश्मि भार्गव, प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज उज्जैन, आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज इस श्रृंखला के लेक्चर 6 का हमारा विषय है प्रोफेशनल वर्क एथिक्स। A person's work ethic is a representation of his character. A strong work ethic suggests that the person places a high value on doing a good job, as well as respecting others and functioning with integrity. Professionalism is a component of the concept of work ethic, which describes how a person comes to work and conduct himself on the job. इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का कार्यक्रम प्रारंभ करती हूँ। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज उज्जैन के हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर GD अग्रवाल। स्वागत है आपका सर। कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए सबसे पहले वेलकम स्पीच के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूं रसायन शास्त्र विभाग गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज उज्जैन की हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर अनीता मनचंदिया को। मैं आए और वेलकम इसकी स्पीच दें। ओवर टू यू मनचंदिया मैम। धन्यवाद रश्मि मैडम। गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज उज्जैन के केमिस्ट्री फार्मा केमिस्ट्री डिपार्टमेंट IQAC एवं डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री मैनेट भोपाल के सहयोग से आयोजित इस राष्ट्रीय वेबिनार ऑन ई मेंटरिंग सीरीज संस्कार सेतु के 6 लेक्चर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारा ये संस्कार सेतु कार्यक्रम निरंतर 31 जुलाई से चल रहा है। अलग अलग विषयों पे हमने ये वेबिनार आयोजित किया है। कई सारे हमारे पार्टिसिपेंट्स रहे हैं जो आज तक हमसे जुड़े हुए हैं इसमें। और आज का जो हमारा विषय है प्रोफेशनल एथिक्स, या जिसे हम कहें व्यावसायिक नैतिकता। बेसिक प्रोफेशनल एथिक्स जो होते हैं या वर्क एथिक्स जिसको हम कहें, आर ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, रिस्पेक्ट, ओबीडियंस टू द लॉ एंड लॉयलिटी। बहुत ही हम सरल और सिंपल शब्दों में यदि कहना चाहें तो हम 2 शब्दों में इसको बयान कर सकते हैं, सत्य निष्ठा और ईमानदारी। अपने काम के प्रति हमारी सत्य निष्ठा होना चाहिए और ईमानदारी और लगन होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे प्रोफेशनल एथिक्स हैं जो जिसपे हमारे साथ आज चर्चा करने के लिए जानी मानी मोटिवेशनल स्पीकर प्रिया सांखला जी उपस्थित हैं। मैं तहे दिल से पूरे महाविद्यालय परिवार की ओर से मैडम आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। साथ ही मैं स्वागत करती हूं हमारे आज के जितने भी पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी का। और मैं पुनः एक बार फिर स्वागत करती हूँ, हमारी कोलैबोरेटर हैं डॉक्टर सविता दीक्षित, जो हमारे इस महाविद्यालय की, मैं मैडम को बताना चाहूंगी, एलुमिनाई भी हैं इसी महाविद्यालय की, और उन्हीं के सहयोग से हमने ये संस्कार सेतु कार्यक्रम स्टार्ट किया था। सविता मैडम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। प्रोफेशनल इथिक्स ऐसे तो माना जाए तो हर प्रोफेशन के अलग अलग अपने इथिक्स होते हैं, पर हर उसमें हम यही बात मान करके चलेंगे कि व्यक्ति जब काम शुरू करता है तो जो वो गोल चाहता है वो अचीव कर लेता है, पर उस पर उस गोल तक पहुंचने के लिए भी हमें हमेशा ये याद रखना पड़ता है कि जो गोल हमने चूज किया है या जो सपने हमने बुने हैं वो पूरा भी हमें ही करना है। ना उस समय हालात हमारे हिसाब से होंगे, ना हमारे सहयोगी या उस रास्ते में हमारे चलने वाले साथी हमारे हिसाब से होंगे। तो जो भी लगन मेहनत हमारी स्वयं की होती है, इसलिए जो भी कार्य हम करें, प्रोफेशनल इथिक्स कहने के लिए तो बहुत सारे हैं, हम जानते भी सभी हैं, पर उसे अपनाना ये बहुत मुश्किल रहता है। कई बार डाइवर्ट हो जाते हैं, इथिक्स साइड में हो जाते हैं, ज्ञान होने के बावजूद भी हम उनका पालन नहीं करना चाहते।
बस अब मैं यही आप सबके बीच में ना आते हुए मैं मैडम का पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ वे आए। अभी आगे का प्रोग्राम संचालन में मैडम जब आमंत्रित होंगी, मैडम एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और बहुत बहुत मैं मेरी तरफ से आपका अभी आभार कर देती हूँ। आभार आपको ऑफिशियली होगा पर मैं आपको अभी से आभार कर रही हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद मैडम। रश्मि मैडम माइक अनम्यूट करिए। थैंक्स मैडम। थैंक्स अनिता मनचंदिया मैडम। कार्यक्रम के अगले चरण में आमंत्रित हैं महाविद्यालय की IQSC कोऑर्डिनेटर एंड प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट डॉक्टर नीता तपन फॉर थीमेटिक इंट्रोडक्शन। ओवर टू यू मैम। थैंक यू मैडम। डॉक्टर नीता तपन, एम आई ऑडिबल मैडम? यस। Government Girls PG College Ujjain has been a premier institute of higher education of Government of Madhya Pradesh affiliated to Vikram University Ujjain, contributing to the education of girls since 1958. It has been accorded the status of Center for Excellence among the chosen 8 iconic colleges of the state of Madhya Pradesh by the Department of Higher Education, Government of Madhya Pradesh. It was one of the pioneering institutions in the nation which voluntarily presented itself for NAC accreditation as early as in the year 2004 and earned an A grade. It again appeared for second cycle reaccreditation in the year 2016 and once again earned an A grade with 3.19 CGPA, the highest score in Madhya Pradesh, fourth highest in the nation as per the 17th Standing Committee meeting of NAC Bengaluru. It is a multi-faculty college with arts, science, commerce, and home science faculties, with post-graduation in all faculties and 5 research centers and 8 self-financed colleges. Sanskar Sethu. ये श्रृंखला लॉकडाउन से महाविद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों के परामर्शन की दृष्टि से प्रारंभ की गई। मैडम किसी का माइक ऑन है, प्लीज उसे म्यूट कर लीजिए। जिसे लब्ध प्रतिष्ठित मेंटर्स ने मूल्य आधारित व्याख्यान दिए, आज जब शिक्षा संस्थान पूरी क्षमता के साथ पुनः खुल चुके हैं, ऐसे में जो कुछ हादसे घटे और पीड़ा हम सब ने झेली, उसके बाद दुख, अवसाद और लॉकडाउन की जड़ता समाप्त हो और हम पूरी ऊर्जा के साथ अपने अपने कार्य में निष्ठा से जुट जाएं, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय प्रोफेशनल वर्क एथिक्स आज की इस ई मेंटरिंग का है। जैसा आज हमारी केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की अध्यक्ष ने बताया और उन्होंने इसके कई गुण प्रोफेशनल एथिक्स के बताए, जैसे रिलायबिलिटी, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, प्रोडक्टिविटी, कोऑपरेशन, इंटेग्रिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोफेशनलिज्म, इन सब का अगर हम कहें तो हमें सदियों पहले हमारे हिंदू ग्रंथ गीता में कर्मयोग नाम से इसका एक मूल मंत्र दिया गया है, जिसमें हमें पूरी निष्ठा से अपने कर्म को करना है बगैर फल की चिंता करते हुए। और सारी बातों का लब्बोलुबाब अगर हम निकालें तो व्रत, उपवास, पूजा, देशभक्ति, ये सारे जो हायर वैल्यूज हैं, इन सब का एक पर्याय है प्रोफेशनल वर्क एथिक्स। जहां हम अपना काम कर रहे हैं अगर उसे पूरी निष्ठा से करें तो उपासना भी हो जाती है, देशभक्ति भी हो जाती है। इसी सीरीज में आज हमारे साथ एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, प्रिया द कैटलिस्ट, जिन्हें हम यूट्यूब पे देखते रहते हैं और आज हमारा सौभाग्य है कि वो आज हमारे साथ प्रोफेशनल एथिक्स की अलग जगहें हम सबके बीच में हैं। सो आई ऑन बिहाफ ऑफ इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल एंड केमिस्ट्री एंड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डिपार्टमेंट अलॉन्ग विथ मैनेट भोपाल वेलकम our honorable principal Dr. HLA Nijwal sir, head of the chemistry department Dr. Anita Manchandya madam, head of pharmaceutical department Dr. GD Agrawal sir, our alumnus who has not just worked ethically in her own institute but has continuously returned to her
alma mater as an alumnus, our respected Dr. Savita Dixit Madam, and our very, very esteemed, distinguished guest, Priya the Catalyst. Thank you. Now I hand over the proceedings of the program again to Professor of Chemistry, Government Girls PG College, Ujjain, Dr. Rashmi Bhargava Madam. Thank you, Madam. Thanks, Neeta Madam. Thank you very much. Now, I am inviting Dr. Savita Dixit, Head of Department of Chemistry, Maulana Azad National Institute of Technology, Bhopal. Please, ma'am, come and guide all of us. Dr. Savita Dixit. Thank you, ma'am. Can you hear me? Yes. Yes. Yes, ma'am. आज मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है कि लॉकडाउन के बाद हमारा प्रोग्राम फिर से शुरू हो रहा है और आज की स्पीकर हमारी इंटरनेशनल प्रिया, जिनको सुनने के लिए हम लोग हमेशा उत्सुक रहते हैं, जो लोगों का, बच्चों का मार्गदर्शन सतत रूप से कर रही हैं, क्योंकि हम जहां इथिक्स की बात कर रहे हैं, नैतिक मूल्यों की, क्योंकि वर्तमान में जो नए शिक्षा विभाग हैं उसमें विभिन्न आयाम उपस्थित हो गए हैं, जैसे प्राप्तांक, योग्यता, प्रवीणता और कुशलता। लेकिन यदि हम सोचें तो हम शिक्षक हैं और हम अपने बच्चों को क्या नैतिक मूल्य दे सकते हैं? विद्वत्तम दक्षता शीलम संकातिरानुशीलनम शिक्षकस्य गुणा सप्त सचेतस्य प्रसन्नता। विद्वता, दक्षता, शील, संस्कृति, अनुशीलन, सचेतत्व और प्रसन्नता, ये सात शिक्षक के गुण हैं। तो जैसा कि आपका आज का टॉपिक है नैतिक मूल्य, और जो पेशे के हिसाब से है, जब डॉक्टर कोई बनता है मैडम, तो हमेशा उसको शपथ दिलाई जाती है कि वो ग्रामीणों की सेवा करेगा, मरते हुए व्यक्ति को वैसे नहीं छोड़ेगा। इस तरह हम शिक्षक हैं, और शिक्षक तो है राष्ट्र की धुरी है। जिन बच्चों को हम शिक्षा दे रहे हैं उनके लिए हम चार प्रमुख चीजें दिमाग में रखना चाहिए, शिक्षा जानने के लिए, समझने के लिए, कौशल प्राप्त करने के लिए, सबको साथ लेकर चलने के लिए, और व्यक्ति की क्षमताओं और मानव मूल्यों को विकसित करने के लिए। हमें अपना जो भी गुणों का समावेश है, जो सात गुण बताए हैं, हमें विद्यार्थियों को ट्रांसमिट करना है। तो कार्यस्थल पर उसके लिए हमें बहुत जरूरी है समग्रता, कर्मठता, पारदर्शिता, दृढ़ता, जिम्मेदारी, निष्ठा, मजबूतता, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, कार्य नैतिकता, डेवलपमेंट, सद्भाव, समझौता। मेन जो आजकल हो रहा है मैडम, पेशेंस। विद्यार्थियों में पेशेंस की कमी है, तो कोशिश करना चाहिए कि उनको पेशेंस डेवलप हो, जिससे कि वो हर चीज को सहन करने की शक्ति करें, और हार्ड वर्कर, ईमानदारी, सिर्फ पैसे के पीछे ना भागे। वो तो हम अभी सब प्रिया से सुनेंगे, क्योंकि यदि हम अपनी ये सारे गुण, मानव मूल्यों के जो महत्व है, उनको समझें और उनको जीवन में अपनी जो नेक्स्ट पीढ़ी है, जो शिक्षा, नैतिकता और संस्कारों को विकसित उन्हीं के द्वारा हमें करना है सही अर्थों में, और इसीलिए महाविद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने विद्यार्थी आते हैं, जिससे हमारे राष्ट्र और समाज को ये सही दिशा में ले जाने में समर्थ होंगे। और इन सबको कार्य करने के लिए बहुत सारे लोग अभी आगे आ चुके हैं, और मैं चाहूंगी मैं प्रिया को समय दूं, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है कि हमारे लिए कोई कमी नहीं है। मैंने मुख्य बात जो कही है, हमें इस बच्चों को समझानी है, सबसे पहले ईमानदारी, व्यावहारिकता, धैर्यता और संस्कृति, और ये सब चीजें आ जाएंगी तो हमें लग रहा है कि हमें जरूरत नहीं है कि बच्चों को और दूसरे गुणों में का समावेश उसमें हो, ऑटोमेटिकली उनमें सारे गुणों का समावेश हो जाएगा। अब मैं चाहूंगी कि प्रिया हमें इस बारे में बताएं, क्योंकि उन सबको सुनने के लिए हम लोग बहुत उत्सुक हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सविता मैडम। An individual who demonstrates professionalism and a strong work ethic takes responsibility for his or her own action, learns from mistakes and follows through commitments. इन्हीं विचारों के साथ अब हमारे आवाज नहीं आ रही है धर्मेश कुमार, अनम्यूट करें प्रिया। No, I think Dr. Rashmi Bhargava is speaking, and मैं अपने स्पीकर, जो हमारे स्पीकर हैं,
प्रिया सांखला मैडम के इंट्रोडक्शन के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर समीना कुरैशी, प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज उज्जैन को. मैडम आए और हमारे आज के स्पीकर का इंट्रोडक्शन दें. डॉक्टर समीना कुरैशी. थैंक यू मैडम. गुड आफ्टरनून एवरीवन. आई फील इमेंसली प्लेजर्ड टू वेलकम अवर टूडेज स्पीकर प्रिया सांखला गुलेचा, द कैटलिस्ट, द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ संवेद and co-founder of Soulmith International Life Coach. Driven by the mission of sharing ancient wisdom in modern ways, she is a graduate in Bachelor of Management who has participated in various international conferences in the last few years. Canada, Singapore, Bangkok, Sweden under World Spiritual Forum from the year 2011. The International Conference YJA in Los Angeles in the year 2016 are among the few prestigious conferences she has been part of. She started her spiritual journey as a 12-year-old and has grown and evolved in this space ever since. She practices yoga, pranayama and meditation, right foot habits and discipline routine, living a life of futuristic mind with tested traditional beliefs. Currently, she shares the message of fundamental modern moral values for children, conduct various parenting programs, stress management workshops for parents and teachers of all age, and has inspired thousands towards yoga and positive thinking. Before inviting Priya Madam, I would like to share a video. Now I request Dharmesh Rathore to please share the video. Dharmesh, please share the video. Thank you, Dharmesh. Now I request Madam Priya to please share the valuable thoughts on the topic professional work ethics. Over to you, ma'am. Thank you so much. Thank you all. Aap sabka bahut bahut shukriya is bahut hi sundar introduction ke liye aur aap sabka yahan upasthit hona, aap sab yahan pe rehna. तो आज आप लोग सबकी हिंदी इज एक्सेलेंट. माय हिंदी इज वेरी कॉमन हिंदी जो मैं बेसिक यूज करूंगी कम्युनिकेशन के लिए. एंड आई होप आपको वो मैसेज क्लियरली और दिल से पहुंच जाएगा. हम सेशन शुरू करने से पहले एक चीज जरूर करेंगे कि हम अपने हाथों को ऊपर करेंगे, एक कप लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, अपने होठों पे लाएंगे और दिल से मुस्कुराएंगे. एक मुस्कुराहट के साथ कि आज हम जिस समय को यूटिलाइज करें और इस समय का सदुपयोग करें. सो थैंक यू ऑल फॉर बीइंग हियर टुडे. थैंक यू सविता मैम एंड थैंक यू टू द इंस्टीट्यूशन फॉर इनवाइटिंग मी एंड गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू शेयर माय थॉट्स, मेरे विचार शेयर करने के लिए. प्रोफेशनल वर्क एथिक्स, आई वुड से कि ये सिर्फ प्रोफेशनल वर्क एथिक्स नहीं होना चाहिए. आज जो मैं पॉइंट्स शेयर करने वाली हूँ जो उन्होंने सब कहा है,
उसे ऊपर ये होना चाहिए कि ये लाइफ एथिक्स भी होना चाहिए. इट्स नॉट अबाउट इन वन प्लेस, इट इज अबाउट एवरीवेयर. हम एक जगह सुंदर हो ये जरूरी नहीं है, हम हर जगह पे सुंदर अपने जीवन को जिए वो जरूरी है. जीवन की भाषा ये है, द लैंग्वेज ऑफ लाइफ इज कैन. द फैक्ट इज वी डोंट, नॉट वी कांट. हम कर बहुत कुछ सकते हैं, बट हमारी भाषा ये हो गई कि हम कर नहीं सकते हैं. तो इस भाषा को हमको बदलना पड़ेगा. और प्रोफेशनलिज्म, आप आगे आगे चल के यू विल बी अ डॉक्टर, यू विल बी अ डेंटिस्ट, यू विल बी अ लॉयर, यू विल बी अ नर्स, यू विल बी अ टीचर. आप अलग अलग प्रोफेशंस में जाएंगे, यू विल बी एन आईएएस ऑफिसर, यू विल बी एन आईपीएस ऑफिसर. आप अलग अलग जगहों पे जाएंगे अपना कार्य को, अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए, अपनी जो पढ़ाई है उसको यूटिलाइज करने के लिए आपके पास जो ज्ञान है. मैम ने एक बात बहुत सुंदर कही थी दैट हमारे पास सब ज्ञान होता है बट तभी वी डू नॉट इम्प्लीमेंट इट व्हेन द टाइम कम्स. द ओनली टू रीजन फॉर दैट आई वुड बिगिन द सेशन इज The only two reason for that is we don't live in awareness. हम होश के साथ जीवन को नहीं जीते हैं, और इस होश के साथ जो हमारा presence of mind होना चाहिए वो होता नहीं है. कहीं ना कहीं उसकी practice नहीं होती है. So it's presence of mind and practice. हम जितना practice करेंगे, हाँ, values, संस्कार, ethics, it's a practice. It's like practicing your sum and you keep getting it better till you get the right answer. So till you can control your anger, till you can control apne krodh ko aap control kar sakte ho. Jab tak aap us level tak nahi pahunchte ho, tab tak aapko practice karte rehna chahiye aur prayas karte rehna chahiye. So to begin with the first point I would say today, and hosh mein jeevan ko jeena, isliye ki jab hosh mein jiyoge और प्रैक्टिस करोगे तब वो माइंड विल ऑटोमेटिकली इट विल कम टू एन ऑटो मोड दैट ओके नाउ द माइंड इज ट्रेन नॉट टू गेट एंग्री. तो हमको हमारे माइंड को ट्रिक करना सिखाना है. सो इन प्रोफेशनल एथिक्स आई थिंक वो एक बहुत अलग चैप्टर है, एंड एनी टाइम इफ आई हैव अ सेशन अगेन आई कैन टॉक अबाउट दिस इन लेंथ एंड हाउ टू डू इट. बट द फर्स्ट थिंग फॉर टूडे इज डोंट रेज योर वॉइस बट रेज द स्टैंडर्ड ऑफ योर वर्ड्स. हम कई बार अपनी आवाज को इतनी ऊंची कर लेते हैं अपने वर्क एनवायरमेंट में, बट जो अपने शब्द होते हैं वो बड़े ही हल्के और छोटे हो जाते हैं. तो आज मेरा एक रिक्वेस्ट है दैट द फर्स्ट पॉइंट दैट आई वुड लाइक टू शेयर यू एज अ प्रोफेशनल एथिक्स एंड लाइफ एथिक्स इज दैट raise the standard of your words and not your voice. अपने शब्दों का जो बाहर है, अपने शब्दों की जो गहराई है या गंभीरता है उसको ऊंचा कीजिए, बट जो आपकी आवाज है वो धीमे करके बात करेंगे, then you will win over a lot of people in life. एक चीज हमेशा याद रखना, एपीजे अब्दुल कलाम said one thing in life that I still remember today. It's not about what you wear. इट इज आप क्या पहनते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप क्या बोलते हैं शायद वो भी इम्पोर्टेंट 100% है. ये सब कुछ इम्पोर्टेंट है, आप क्या पहनते हैं, आप कैसा बोलते हैं, किस तरह, कहाँ पे क्या है, कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, बट वॉट इज वेरी मोर इम्पोर्टेंट इज हाउ यू मेक समवन फील. आप कैसे किसी को महसूस कराते हैं एंड हाउ यू मेक देम फील. That feeling is very important in life. तो वो महसूस तब होगा जब आपकी वाणी में वो प्रेम और सरलता होगी, जब आपकी वाणी में वो करुणा और वो शब्द. Yes, sometimes I get angry. What do? I am not able to tolerate. इतना कहने के बाद भी इससे ये काम ठीक से नहीं हुआ, ये सब समझ में आता है, बट इसका ये अर्थ नहीं है कि आप अपनी आवाज को इतनी ऊंची ले जाएं कि जरूर सब लोगों का अटेंशन आए और उससे आपका काम बने. उससे शायद काम बिगड़े, बन भी सकता है, बट एट द एंड ऑफ इट द पर्सन हैज नॉट फेल्ट गुड. देयर इज अ फील गुड फैक्टर. सो द फर्स्ट थिंग इन प्रोफेशनल एथिक्स हैज टू बी दैट हाउ यू मेक समबडी फील. आप अपनी वाणी से कैसे फील कराओगे अपने वर्ड्स को. Raise the standard of your words and not the voice. The second,
thing that I would like to tell today. The second point, I'm going to give it very briefly because we have very limited time. And in this limited time, I'm trying to share the maximum that I can. The second point that I would like to tell across to you is, hum kitne bhi kitab padh le, we can do a PhD, we can do two PhD, we can do an MPhil, we can be a doctorate, we can be multi-level doctorate, we can study from IIM, IIT, MANET, kahi se bhi hum padhe, kitna bhi hum padh le, hamare jo jeevan ke decisions honge, we will have to make our own choice. As a professional ethics, it is very important that you take a right decision. Sab ko samajh ke, sab ki bhav ko samajh ke, vichar ko samajh ke, accepting indifferences of opinion ko lete huye, hum ek nirnay pe aaye. The second point that I would like to say you over here is, there are no correct decisions or right decisions. You take a decision and make it right. आपके पास जीवन में ऐसी कोई किताब नहीं है जो एक decision और solution देगा कि ये सही है. आप कितना भी पढ़ाई कर ले, आपके पास वो knowledge और वो information रहेगा that will assist you and help you take a decision or navigate you to take a decision or guide you. आपके साथ रहेगा, but अल्टीमेटली आपको वो डिसीशन लेना है और वो डिसीशन लेके उसको राइट करना है. सो इन द प्रोफेशनल एथिक्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड कि देर आर नो राइट डिसीशंस. यू टेक अ डिसीशन एंड यू मेक इट राइट. क्या सही है, सबके हित में क्या है, कंपनी के हित में क्या है, हमारे हित में क्या है, द टीम हित में क्या है, वो सबको समझते हुए हम अपना निर्णय लें. So the second point I would like to say is, you take a decision and make it right. Then don't go to think. To nirnay lene se pehle, kuch bhi decision lene se pehle ya kuch bhi karne se pehle, aap is cheez ko soch sakte ho. You can plan it in your mind. You can decide and then you take a decision. Don't be impulsive. Ekdam phat karke decision mat lijiye. Don't have urgency. Time is a very important factor in professional ethics. Right time, right place. Time is a very important factor everywhere. Samay jo hai, wo bahut important factor hai. But if you can keep all these things in fact, factors in mind with a combination, tab aap ek decision lege. In that decision, your ethic of how you take it and what you have taken will definitely be seen. So in my opinion, that's the second most important thing. The first thing is, raise the standard of your words, not your voice. The second thing is, is duniya mein aise koi bhi kitab nahi hai jahan pe sahi uttar hai. Aapko ek decision lena padta hai aur us decision se aapke karyo ko aapko sit karke usko sahi karna padta hai. The third most important thing, fundamentals, hum sab seekhe hai. A, B, C. A, B, C, D, E, F, G. Hum sab seekhe hai. A stands for acceptance. B stands for behavior. And C stands for correction. A, arth, accept. Kya accept karna? Apne strengths aur apne weaknesses ko pehle janna. अपने टीम मेंबर्स, अपने कंपनी, अपने कोलीग्स के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस जाना. देयर हैज टू बी एन एक्सेप्टेंस. अरे इसको बार बार मैं समझा रहा हूँ, वो फिर से वही गलती कर रहा है, वही गलती किया जा रहा है, कर रहा है. देयर इज अ टेक्निक. फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन, सेकेंड टाइम मेक देम अंडरस्टैंड, द थर्ड टाइम गिव देम मोर टाइम एंड मेक देम अंडरस्टैंड. इफ आई फील, अगर एक इंसान तीन बार समझाने के बाद सुधर नहीं सकता है तो मुझे नहीं लगता है कि वो आगे भी जाके सुधरेगा. तब वही रुक जाना, तब समझ लेना और एक्सेप्ट कर लेना, फिर उसको वो काम ही मत देना या उसका काम ही बदल देना. प्रोफेशनल एथिक्स में एक्सेप्टेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. गलती होगी, ह्यूमन एरर इज पॉसिबल, मिस्टेक्स हैव टू बी टॉलरेटेड.
उस गलतियों को टॉलरेट करना, जैसे सविता दी ने बोला है, पेशेंस इज रिड्यूसिंग, सो एक्सेप्टेंस विल ब्रिंग पेशेंस. अगर आप चीजों को एक्सेप्ट करेंगे तो पेशेंस आ जाएगा, और जब पेशेंस आ जाएगा यू विल बी एबल टू परफॉर्म बेटर. आप में वो एक क्षमता बढ़ जाएगी जो एक आत्मशक्ति है, और उस आत्मशक्ति से आप अपने कार्य को अच्छे से कर पाएंगे. एनी एंगर डज नॉट अफेक्ट द पर्सन, इट विल अफेक्ट यू फर्स्ट. अगर हम ये सोचे कि हम गुस्सा करके छूट गए हैं, तो एक चीज जान लेना, वो गुस्सा जो आपने किया है सामने वालों पे, वो पहले आप ही को इम्पैक्ट करेगा, बिकॉज यू आर द फर्स्ट लिसनर. और उसके साथ an emotion of an anger, one emotion of an anger lives 90 days in a body. 90 din tak wo cell mein rehta hai. To soch lijiye aap kitne din mein kitne baar gussa karte hai, aur kitno pe, adhik apno pe hi ya jo hamare liye kaam karte hai un pe. Kyun? Because we are not getting what we have expectations. So here I would say counter expectations with acceptance. Results are important. Goals are important. Yes. But acceptance and understanding is primary professional ethics. Apne logo ko jano aur samjho. Apne team members ko samjho. Apne aap ko jano. Ek activity zarur aap apne team members ke saath kar sakte hai for professional ethics. Is to take a list of paper and a pen and tell them aap apne strength ko likhna. Agar wo 10 strength bhi apne likh paya, it's a miracle. कोई भी व्यक्ति 4-5 से ज्यादा स्ट्रेंथ अपनी लिख ही नहीं पाता है. आप अपने आप को एक्सेप्ट करो. उसको बोलेगा अपने टीम मेंबर का स्ट्रेंथ बता दो, खट 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 बता देगा, बट अपने आप का बताओ तो वो सोचने लग जाएगा क्या है क्या है. एंड देयर विल बी अ रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स, देयर कैन बी अ रिपीटेशन ऑफ मीनिंग. द सेकेंड थिंग इज बिहेवियर. हाउ डू यू बिहेव? ए फॉर एक्सेप्टेंस, स्वीकृति. बी फॉर बिहेवियर, हम कैसे बिहेव करते हैं एक सिचुएशन के लिए. कई बार ये होता है, वी आर नॉट हॉनेस्ट अबाउट सेइंग आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है. तो क्या हुआ, अगर हम किसी चीज को समझ नहीं पा रहे या जानते नहीं है, तो एक्सेप्ट टू से आई डोंट नो इज अ करेज. वो एक हिम्मत की बात है, वो एक कमजोरी नहीं है. जिसकी बुद्धि कमजोर है वो कमजोर ही सोचेगा, बट जिसने सही सोचा है तो वो ये जानेगा कि इसने सही बोला है, दैट ही डज नॉट नो, देन देयर इज एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न. देयर इज एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न. बट हम क्या कर देते हैं, टू प्रिटेंड दैट वी नो एवरीथिंग, टू प्रिटेंड ओ वी हैव स्टडीड फ्रॉम दिस सो आई हैव टू नो इट. लेट मी टेल यू दिस ब्यूटिफुल एग्जाम्पल. IDC एक इडली डोसा बैटर सेल करना शुरू कर लिया द कंपनी, एंड इट्स अ वेरी इट्स अ मल्टीबिलियनेयर कंपनी आज. बट व्हाट हैपेंड, जब इन लोग ने इनिशियली वो पैकेज शुरू किया था, दे स्टार्टेड सेलिंग बैटर. जब वो बैटर बनाने लग गए हैं, इसको मार्केट करना था, तो मार्केटिंग के लिए वो कहीं जगह पे गए, ग्रोसरी स्टोर्स, नियर बाई स्टोर्स, वहां पे जाके फर्स्ट इन द लोकल एरिया. दे स्टार्टेड बेसिकली फ्रॉम बैंगलोर, तो वहां पे उन लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन किया. एक साल चला, बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स आया, वन एंड हाफ इयर्स, टू इयर्स, एंड इट वाज एन एक्सीलेंट रेस्पॉन्स. उसके बाद क्या हुआ, एक दिन समर का टाइम था, एंड द बैटर वाज डिलीवर्ड इन द मॉर्निंग एंड वाज केप्ट इन द रेफ्रिजरेटर इन द ग्रोसरी स्टोर, एक किराने पे दुकान पे रखा था. वो क्या हुआ, द बैटर बर्स्टेड. And the owner thought of the store ki it is basically a bomb burst ho gaya. So he calls up the owner of IDC, the batter company, and says, aapke goal jo hai, idli aur dosa ka batter mein, there's a bomb. Now the owner, Mustafa, he started thinking, kya bol raha hai ye? Bole, there's a bomb, and the entire team rushed over there and they said, let us just have a look at the situation. In spite of being a person who was selling one and a half years of batter, usko ye nahi pata tha ki batter summer ka fermentation quick hota hai, uska process quick hota hai. It's a basic chemistry factor which all of you know.
you all are all students of PhDs and chemistry and other main science stream. That basic factor a company didn't know, a company's owner, and today that company is a multi-millionaire. तो उस दिन उसने ये चीज सीखी. अगर वो ये बोलता कि मेरे को तो पता है मेरे बैटर में कोई गलती नहीं है, ऐसे है वैसे है, आई डिडंट मेक द मिस्टेक, इट इज योर रेफ्रिजरेटर, देयर इज नो ब्लेम गेम अलाउड, इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, एंड व्हेन यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम यू फाइंड द सॉल्यूशन टू इट, एंड दैट इज व्हाट हैपेंड, एंड टुडे दैट कंपनी हैज बिकम अ मल्टी मिलियनेयर. So it's a simple thing, but the simple things to say, I don't know. Koi hasega, hasne do. Wo uski kamzori hai. But ye aapki taakat hai aur aapki himmat hai ki aapne bola, I don't know. Main janti nahi hu. Kya aap mujhe samjha sakte hai? And you have an opportunity to learn that. The third important thing, correct yourself. Be spontaneous in saying, I am sorry. I have raised my voice. I have screamed. Maine apni awaaz uchi utha li. Maine apne colleague ko, apne staff ko, ya apne workers pe bahut chilla liya hai. Sab kuch kar liya. Apne guest ko, hospitality industry mein, this professional ethics and how you speak politely plays such an important role. Agar maine ye sab kar liya hai, uske baad, if I have made a mistake, just say I'm sorry. Jo shama mange, wo veer. Jo shama kar de, wo mahavir. Jo shama mange, wo veer. Jo shama kar de, wo mahavir. I am sorry is the most cooling down word. I am sorry. It's a three-letter word, but it can cool down so many things. Uske baad, never get to explanation, but wahi main kehna chahti hu. The third point is correct yourself, but never use that word. I am sorry, but this is what had happened. I am sorry, but I didn't mean this. I am sorry, but I was not going to tell about this. Don't use the factor but after it. Just say I am sorry. शमा, शमा के बाद क्या एक्सप्लेनेशन है? Those who give explanation are at fault, and those who want to listen to the explanation, so you only say I'm sorry. The fourth important factor, that is teamwork. Teamwork, we all know. Teamwork means, the beautiful meaning of teamwork is together, everyone achieve more. T-E-A-M, team. Together, everyone achieve more. Hum sab saath mein milke, hum achieve zyada karenge. Ek bahut sundar si kahani hai yahan. Ek aadmi tha, manager tha. He had a team of highly qualified people. Bahut hi padhe likhe shikshit log unke saath hain. Kya hua? कि उनकी जो टीम थी एट एन इंडिविजुअल लेवल इट वाज परफॉर्मिंग एक्सेलेंट, एवरीबॉडी वाज सक्सीडिंग इंडिविजुअली एक्सेलेंटली, बट एज अ टीम दे डिडंट सक्सीड टुगेदर. तो एक दिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिसाइड किया मैं सबको एक पिकनिक पे लेके जाता हूँ. तो उन सबको उन्होंने पिकनिक पे लेके गए. उस पिकनिक पे ही सेड देयर इज एन एक्टिविटी, इस एक्टिविटी को हम थ्री लेवल्स में खेलेंगे. पहला लेवल ये है, सबको एक बलून पकड़ा दिया हाथ में, एंड ही सेड ऑल ऑफ यू ब्लो द बलून्स एंड राइट योर नेम ऑन द बलून. सो दिस एक्टिविटी वाज वेरी क्विक, तो सबने कर दिया. फिर उन्होंने बोला आप सब बाहर जाइए. ही क्लोज द डोर, ही फिल्ड इन मोर बलून्स एंड ही ओपन द डोर, एंड दे वर ऑल सरप्राइज कि यहाँ पे तो और बलून्स हो गए. देन उन्होंने बोला अब सेकेंड लेवल पे मैं आप सबको 15 मिनट देता हूँ. In 15 minutes, आप अपने 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 नाम का बलून ढूंढ लीजिए. 15 मिनट लगे और किसी एक टीम मेंबर को इंडिविजुअली बलून नहीं मिला. वो खोजते गए बलून्स के बीच में उनको मिला नहीं, बिकॉज इतना बलून्स भर गया था रूम में. फिर थर्ड ये हुआ कि द थर्ड लेवल ऑफ द गेम, उन्होंने बोला नाउ
यू फाइंड द बलून ऑफ योर टीम मेंबर, उसके जिसका भी नाम का बलून मिलता है आप उसको जाके दे देना, और जब वो बलून का एक्टिविटी हुआ द थर्ड लेवल इट हैपेंड वेरी क्विकली बिकॉज जिसने जिसको जो मिला उन्होंने बांटना सीखा, दे स्टार्टेड शेयरिंग. सीक्रेसी इज अ बिग बिग कॉन्स्पिरेसी और अ बिग मिस्टेक आई थिंक ऑफ अ टीम वर्क. You should be secret about certain factor, but not with your team members. आपको उस चीज को देने का प्रयास करना चाहिए. And when they found the balloons of each other, he said, "See, it was so simple. It took you so less time because you did it as a team to help others. Purpose, focus, competence, and competition. Life में purpose होना चाहिए, as a team में focus होना चाहिए, competence होना चाहिए. साथ में कंपटीशन जरूर होना चाहिए, बट वो कंपटीशन जो होना चाहिए इट हैज टू बी नॉट विथ योर ओन टीम मेंबर्स बट विथ योर सेल्फ. कंपटीशन जो होना चाहिए वो किसी और के साथ नहीं बट स्वयं के साथ होना चाहिए. आप स्वयं को कैसे और सुंदर करोगे? तो इस ये जो 5 points है, इन अ नटशेल आई वुड लाइक टू से एंड समिट अप टूडे विथ प्रोफेशनल एथिक्स. पहला, don't raise your voice, raise the standard of your words. Second, there are no right decisions, you take a decision and make it right. Third, A, B, C, accept behavior and correction. Fourth point, teamwork. Together, each other achieve more. Hum milke kaam karenge to hum zyada payenge. If you want to walk far, you walk together. If you want to walk slow, but you want to walk far, you walk alone. You walk alone. फिर आप अकेले चलिए. But अगर आपको आगे चलना है, लंबे समय के लिए चलना है और स्पीड पकड़नी है, तो आपको टीम चाहिए. And the last point, the fifth point is purpose, focus, commitment. Professional ethics, I will say, this is not only professional ethics, ye apne life ke bhi ethics hone chahiye. Agar jeevan ke kar ke char pahiye hai, चारों को बैलेंस करके चलेंगे तो जीवन सुंदर होगा. अगर एक भी पहिया पंचर हो गया तो योर कार विल नॉट मूव फॉरवर्ड इन लाइफ. एंड द फोर टायर्स ऑफ लाइफ इज पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल एंड स्पिरिचुअल. पर्सनल अपना जीवन, प्रोफेशनल अपना कार्य, सोशल अपना समाज, मानवता इंसानियता, और स्पिरिचुअल आध्यात्मिकता. ये चारों को लेके चलोगे तो ये चार पहिए है जो जीवन की कार को सही ढंग से चलाएगा. यू होल्ड द स्टीयरिंग इन योर हैंड, सो ड्राइव इट वेल एंड ड्राइव इट विद द राइट थॉट. जीवन में लास्ट थिंग आई वुड लाइक टू से, अपने जीवन को अर्थ से जीना, ना कि फॉर्मेलिटी से. डोंट डू थिंग्स वर्क फॉर फॉर्मेलिटी, डू इट विथ मीनिंग, बिकॉज वेन यू डू इट विथ मीनिंग यू गिव योर 100% फ्रॉम योर हार्ट. और जो कार्य यहां से किया जाता है वो 100% 10x का रिजल्ट लाएगा. सो अपने आप को, जीवन को सुंदर करना, एंड मेक योर प्रोफेशन, वेर एवर यू गो, बी हॉनेस्ट, बी ट्रूथफुल टू योर सेल्फ, मीनिंगफुल टू योर सेल्फ, और अपना 100% उसको देना. थैंक यू ऑल सो मच, लव यू ऑल सो मच. आई लीव इट टू मैम टू आस्क मी इफ देर इज एनी क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स. मैम अभी तक तो क्वेश्चंस नहीं है चैट बॉक्स में. मैं स्टूडेंट से चाहूंगी कि अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो चैट बॉक्स में अभी भी डाल सकते हैं. देखिए कोई क्वेश्चन अगर हो तो स्टूडेंट्स अपना क्वेश्चन आप डाल सकते हैं. सॉरी मैम अभी तक तो कोई क्वेश्चन नहीं है.
That is fine, absolutely. जी थैंक्स प्रिया मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर वेरी नाइस एंड नॉलेजफुल स्पीच. इट्स रियली वेरी नाइस एंड एनर्जेटिक ऑल्सो. नाउ निश्चित ही आपके इस उद्बोधन से हम सबको प्रेरणा मिली है. बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से, बहुत बहुत धन्यवाद. कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए अब इनवाइट करना चाहूँगी डॉक्टर जी डी अग्रवाल, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज उज्जैन. वे आए और प्रेसिडेंशियल स्पीच दें. डॉक्टर जी डी अग्रवाल, ओवर टू. थैंक यू मैडम. थैंक यू मैडम. गुड आफ्टरनून एवरीवन. सर्वप्रथम तो मैं आज केमिस्ट्री एंड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डिपार्टमेंट गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज उज्जैन एवं डॉक्टर सुविता दीक्षित मैडम, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल एवं IQAC गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज उज्जैन को मैं बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने आज इतने सुंदर वेबिनार का आयोजन किया. वैल्यू बेस्ड ई मेंटरिंग सीरीज संस्कार सेतु के अंतर्गत प्रोफेशनल वर्स एथिक्स पर आज बहुत ही सुंदर व्याख्यान हमें सुनने को मिले हैं. जैसा कि हम आज देखते हैं कि जो स्टूडेंट हैं या प्रोफेशनल्स हैं उनको बहुत अच्छी सैलरी मिल रही है, लोग पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं, पैसे के पीछे आकर्षित हो रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम अपने मानवीय मूल्य नैतिक मूल्यों को पीछे छोड़ रहे हैं, उनकी अनदेखी कर रहे हैं. क्योंकि वो इतनी सुविधा और पैकेज के बाद भी वो अशांत क्यों हैं, उनके मन में तनाव क्यों है. मुझे लगता है कि शायद हमारे जो कार्य हैं, चाहे हम शिक्षक हों, प्रोफेसर हों, चाहे बिजनेसमैन हों, जो भी हम अपना कार्य करते हैं, यदि वो कार्य हम धर्म से युक्त होकर करें, धर्म को साथ जोड़ लें, तो शायद हम अच्छे और बुरे की पहचान आसानी से कर पाएंगे कि कौन सा कार्य अच्छा है और बुरे कार्य करने से बच जाएंगे. अब धर्म क्या है? धर्म एक बड़ा गूढ़ विषय है. धर्म कई प्रकार के, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, लेकिन एक रामचरितमानस के अनुसार तुलसीदास जी ने जो धर्म को परिभाषित किया है, बस मैं बताना चाहूंगा कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई. परोपकार के समान कोई धर्म नहीं है और किसी को दुख पहुंचाने के समान कोई अधर्म नहीं है. तो यदि हम अपने कार्य में परोपकार को जोड़ लें तो मानव जीवन धन्य हो जाएगा. शायद हमारा शरीर, ये मानव शरीर परोपकार के लिए बना है. चाणक्य ने भी एक बार कहा है कि ऐसे शरीर का क्या लाभ जिस शरीर से हम परोपकार न कर सकें. तो परोपकार को जीवन में हम जरूर उतारें तो शायद हमारे निर्णय सही होंगे. दूसरा, हम जैसा मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी से हमें कार्य करना चाहिए, भ्रष्टाचार से दूर रहना चाहिए. एक बार धर्मराज ने किसी से कहा है कि जब हम अपने मकान को बनाते हैं तो उसकी नींव में ये ध्यान रखना चाहिए कि कहीं भ्रष्टाचार की कोई ईंट ना लग जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वो ईंट फिसल जाए, नष्ट हो जाए और आपकी पूरी की पूरी इमारत ध्वस्त हो जाए. तो हमें अपनी इमारत को ध्वस्त नहीं करना चाहिए, इमारत को मजबूत रखें, नींव को मजबूत रखें, भ्रष्टाचार से दूर रहें, ईमानदारी से कार्य करें और अपने कार्यस्थल पर जितनी हम ईमानदारी से सत्यनिष्ठा से काम करेंगे, शायद ये हमारी सबसे बड़ी देश की सेवा होगी. एक और पॉइंट की ओर मैं बात करना चाहूँगा मैडम प्रिया साखला गुलेचा मैडम से भी, कि आगे अगर हमें मौका मिला तो हम इस पर चर्चा करना चाहेंगे कि मन से हम आत्मा की ओर कैसे पहुँचें. क्योंकि बहुत से निर्णय में बड़ा संशय होता है, मन बीच में आ जाता है. मन की अगर हम बात मानते हैं तो मन तो भटकाव है. मन के बारे में तो कहा गया है कि मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मते न चालिए, पल पल में कहीं और. तो हम मन की बात ना माने, आत्मा की बात माने, अंतरात्मा की बात माने. और अंतरात्मा से जो आवाज उठती है, जैसा गुलेचा मैडम ने कहा है कि जो हमारा दिल का है, जो अंतरात्मा का है, यदि हम वो काम करेंगे तो हमारे सही निर्णय होंगे. और निर्णय सही होंगे तो निश्चित ही हमारी प्रोग्रेस होगी और हम किसी को आनंद दे पाएंगे. और मेरे ख्याल से आनंद ही हमारे जीवन का उद्देश्य है. सुख तो मन का विषय है लेकिन आनंद एक आत्मा का विषय है. तो कभी भविष्य में भी आत्मा के ऊपर और डिटेल में मैं चर्चा करना चाहूँगा. सविता दीक्षित मैडम जो कि लगातार हमारे साथ कोलैबोरेशन में है और ये छठी सीरीज हम उनके सहयोग से आयोजित कर पाए हैं. जैसा कि मैडम ने बताया है कि हम छात्रों को चार प्रकार के गुण, ऑनेस्टी, व्यवहारिकता, धैर्य और हार्डवर्किंग ट्रांसमिट करने में सफल हो जाएं तो शायद हमारे इस प्रकार के वेबिनार की भी सार्थकता होगी. साथ ही प्रिया साखला गुलेचा मैडम ने हमें बताया कि यदि हमें जीवन में सुंदर बने रहना है, हर किसी का मन जीतना है, तो हमें होश में रहना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है, क्रोध पे नियंत्रण रखना है. क्रोध सबसे पहले हम स्वयं को ही नष्ट करता है.
क्षमा का हमें गुण आना चाहिए, क्योंकि क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का गुण है, कायरता नहीं है। और हमें मीठे बोल बोलें, मीठे बोल ले सबको मोर। तो आज आप मैडम, गुलेचा मैडम ने और दीक्षित मैडम ने बहुत सारे प्रोफेशनल एथिक्स हम सबको बताए, और यदि हम इनको जीवन में उतारने में सक्षम हैं, सभी इनको जीवन में उतारें, तो निश्चित ही आज के इस वेबिनार की सार्थकता होगी। आज सविता दीक्षित मैडम, गुलेचा मैडम और सभी पार्टिसिपेंट ने अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए मैं सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। उनको एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहती हूँ कि ये पांचों पॉइंट में से अगर आप लाइफ में एक भी पॉइंट यूज कर सकते हैं, इवन वन पॉइंट, कोई भी एक चीज अपने जीवन को उतारिए, एक ही बिहेवियर को आप सिर्फ करने का प्रयास कीजिए, इवन दैट वन कमिटमेंट फॉर लाइफ विल मेक यू राइज इन योर ओन आइज। वो आप ही की आंखों में आपको जीवन में उठा देगा, आप ही के आईने के सामने, वही सही धर्म है और वही परमात्मा है, और वही आपके कर्म का फल आपका रिटर्न होगा। टेक एनी वन प्रिंसिपल प्रोफेशनल एथिक दैट यू वांट टू इंप्लीमेंट इन लाइफ, आई रिक्वेस्ट टेक वन। और ये सब तभी होगा जो मैंने स्टार्टिंग के शब्द में बोला था, होश, अवेयरनेस और प्रेजेंस ऑफ माइंड। अगर आप ये दोनों का प्रैक्टिस करेंगे देन यू विल बी एबल टू इम्प्लीमेंट इन लाइफ। और मन और आत्मा पे जरूर हम चर्चा कर सकते हैं। I leave that to Savita Didi and to the organization. Whenever they want to invite me again, I will be more than happy to talk to you about this. Thank you. Thank you. Thank you, madam. Thank you very much, sir. Thank you. आपके बहुत अच्छे अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, किसी भी कार्यक्रम की अंतिम कड़ी होती है आभार प्रदर्शन, और इस आभार प्रदर्शन का गुरुतर भार भी मुझे ही वहन करना है। हृदय में निहित सभी भावनाओं को एकमात्र आभार शब्द से प्रतिपादित करना अत्यंत दुरूह कार्य है, परंतु फिर भी मैं प्रयास अवश्य करूंगी। सर्वप्रथम मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी हमारी आज की इन्वाइटेड इंटरनेशनल स्पीकर प्रिया सांखला गुलेचा का, जिन्होंने अपने ज्ञानपूर्ण उद्बोधन से हम सब में एक नई ऊर्जा का संचार किया है, अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा दी है। मैडम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मैं आभारी हूँ आईक्यूएसी कोऑर्डिनेटर डॉक्टर नीता तपन की, जिन्होंने जो अपने आप में स्वयं वर्क एथिक्स की का एक उदाहरण है, आपके थीमेटिक इंट्रोडक्शन के लिए। इसके पश्चात अगले चरण में मैं आभारी हूँ डॉक्टर सविता दीक्षित मैडम, हेड ऑफ डिपार्टमेंट केमिस्ट्री मैनेट भोपाल, तथा डॉक्टर अनीता मनचंदिया, हेड ऑफ डिपार्टमेंट केमिस्ट्री गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज उज्जैन की, जिनके संयुक्त प्रयासों से इस अत्यंत लाभकारी सीरीज का प्रादुर्भाव हुआ, जिसका लाभ अनेकों छात्र छात्राएं और हम सभी ले पा रहे हैं। डॉक्टर सविता दीक्षित को भी बहुत बहुत आभार। मैं बहुत आभारी हूँ कार्यक्रम के अध्यक्ष एवं HOD फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट डॉक्टर GD अग्रवाल की, जिन्होंने हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता की और अंत में अध्यक्षीय उद्बोधन दिया। मैं आभारी हूँ डॉक्टर समीना कुरैशी मैडम की एक अच्छे परिचय के लिए। अगले क्रम में मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी हमारी टेक्निकल टीम के मेम्बर्स धर्मेश राठौर एवं मयूरी सोनेर की, जो पर्दे के पीछे रहकर अथक परिश्रम करते हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। अंतिम चरण में मैं आभारी हूँ सभी प्रतिभागी प्राध्यापकों, रिसर्च स्कॉलर्स और सभी छात्र छात्राओं की, जिन्होंने इस वेबिनार में सम्मिलित होकर इसे सफल बनाया। एक बार फिर आप सभी का बहुत 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 आभार। हाँ, ये कार्यक्रम की लिंक चैट बॉक्स में डाली गई है, तो आपसे निवेदन है कि इस लिंक को भर के भेज दीजिए ताकि आपको प्रमाण पत्र प्रोवाइड किए जा सकें। लिंक चैट बॉक्स में से देख लीजिए कृपया, एवं अति शीघ्र भरें इसे। धन्यवाद।